बीच में बच्चे आ जाएंगे तो उनको ज्वाइन करा लेना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग बायोमोलिकुल्स इन विच वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। दैट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर वन आर नोन एज मोनोसैकेराइड, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स 2 to 20 मोलिकुल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स मेनी मोनोमर्स दैट इज मोनोसैकेराइड यूनिट्स एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। और ये हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम लोग देखे थे नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक भी देखे थे, बहुत सारे टाइप उसका हम लोग देखे थे, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सब देखे थे हम लोग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको जनरली पूछते रहता है कि मतलब क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट, वो आपको मैं बता दिया, वो आप पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में आज स्टडी करते हैं। प्रोटीन फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस व्हिच मीन्स प्राइमरी और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जितने भी आपके प्रोटीन हैं सभी के सभी किस चीज के पॉलीमर हैं, तो एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं। ये एमिनो एसिड होते क्या हैं, तो इसमें एक कार्बन होता है, कम से कम एक कार्बन होगा, उसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा। उस कार्बन से अटैच्ड एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक एमिनो ग्रुप होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है ना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जितने भी एमाइनो एसिड हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव कह रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ से ये एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, इसमें कोई साइमेट्री नहीं होता है ना। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट करा देता है, लेकिन ग्लाइसिन एक ऐसा एमाइनो एसिड है जो कि आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वजह, उस पर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, सिमेट्रिक कार्बन उसमें नहीं होता है इसीलिए। ठीक है, तो एमाइनो एसिड क्या है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन होता है जो कि एसिमेट्रिक होता है, उस पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा, एक एमाइनो ग्रुप लगा हुआ होगा, एक अल्काइल ग्रुप और एक एच। अल्काइल ग्रुप जो होता है वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड पर, वही वेरी करता है। दो एमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, वो चीफ मिनिस्टर से याद रखिएगा, सीएम ना, सिस्टीन मिथियोनिन एंड सिस्टीन, सीएम सिस्टीन एंड मिथियोनिन, यही दो ऐसे अमाइनो एसिड है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग, तो दो ही है, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, दैट इज मिथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, तो देखिए एमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर का भी होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइनो ग्रुप दोनों इक्वल नंबर में होंगे तो आपको कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। अगर किसी भी एमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो वह एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अगर किसी एमाइनो एसिड में एमाइनो ग्रुप ज्यादा हो जाएगा तो वह बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग वन बाई वन करके कुछ पॉइंट्स अब लोग एक फिर से एक्सप्लेन करते हैं अबाउट एमाइनो एसिड। ठीक है, एमाइनो एसिड में एक एमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एंड वेरिएबल साइड चेन दैट इज अल्काइल ग्रुप, इच जॉइंड टू सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, उसका फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये एमाइनो ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, वेरिएबल अल्काइल ग्रुप है। यही अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है ना। ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। जो ग्लाइसिन है आपका एमाइनो एसिड, वह टेस्ट में मीठा होता है, और ग्रीक वर्ड में ग्लाइकस का मतलब भी होता है स्वीट। ठीक है, इसलिए उसका नाम ग्लाइसिन पड़ता है, लेकिन ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अभी मैं दिखाया नहीं हूँ। इफ आर इज इक्वल टू एच, इस आर के जगह पर एच ले आएंगे तो वह ग्लाइसिन हो जाएगा। एंट्राइसिन वॉज द फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज इन ग्रीक, टायरोस मीन्स होता है चीज ना, इसीलिए उसका ट्रायोसिन पड़ा। तो दो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और ट्रायोसिन जो था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अमाइनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय थ्री लेटर सिंबल, समटाइम्स वन लेटर सिंबल ना इज आल्सो यूज्ड।
आइए हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। कुछ एमिनो एसिड एसिडिक होंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो होंगे वो ज्यादा होंगे इन द कंपैरिजन ऑफ एमिनो ग्रुप, तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप कम हो और एमिनो ग्रुप ज्यादा हो तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। दोनों इक्वल नंबर में हो जाए तो एम्फोट्रिक या न्यूट्रल कहलाएगा, नॉन एसेंशियल। हाँ, एमिनो एसिड फर्दर हम लोग टोटल एमिनो एसिड 20 है जिसमें 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं। 10 एसेंशियल एमिनो एसिड और 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल किसको कहेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है हमको बाहर से लेने की, बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज हो रहा हो द एमिनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाएंगे, ये 10 है। एसेंशियल किसको कहेंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर बन नहीं रहा हो, बाहर से डाइट से लेने की जरूरत है तो जरूरी हो गया फिर, इसीलिए एसेंशियल कहला जाता है, और ये 10 है। और इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं मैट विल फ्लाई, ना कोड क्या है आपका, मैट विल फ्लाई, इट इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोड, ना याद रखिएगा, और मैथ्स वाले भी याद कर ले तो अच्छा है। मैट विल फ्लाई, एम से हो गया आपका मिथियोनिन, ए से हो गया आर्गिनिन, टी से ट्रिप्टोफान, और टी से हो गया थ्रियोनिन, भी यहाँ आ गया, भी से हो गया वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, अब आ गया फ्लाई, फ्लाई का फुल फॉर्म देख लीजिए फिनाइल एलानिन, इसके बाद एच से हो गया हिस्टाडाइन, एल वाई से हो गया लाइसिन, मैट विल फ्लाई, ये एसेंशियल है, जो बच गया वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो उसमें मिलेगा आपको कि 10 ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड का नाम लिखिए, तो मैट विल फ्लाई कोई एक लिख दीजिए, आंसर सही हो जाएगा, ओपन टाइप क्वेश्चन कहलाता है ये, ठीक है। तो एमिनो ये एसेंशियल एमिनो एसिड मैट विल फ्लाई से आप याद रखेंगे इसको। आइए, सिस्टीन और मिथियोनिन दो ऐसे सीएम जिसको मैं कह रहा था, सिस्टीन और मिथियोनिन दो ऐसे एमिनो एसिड हैं वो सल्फर कंटेनिंग है, और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होगा ये, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन इस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो दो का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सीएम सिस्टीन एंड मिथियोनिन। एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर वाटर सोलबल, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एंड बिहेव लाइक ए सॉल्ट रेदर दैन सिंपल एमीन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एमीन की तरह नहीं बिहेव करते हैं बल्कि एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, और सॉल्ट की तरह बिहेव करने का मेन वजह क्या है कि एमिनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वहाँ वो पानी में जाने के बाद एच प्लस रिलीज करेगा, एंड दैट वेरी एच प्लस इज एक्सेप्टेड बाई एनएच टू ग्रुप एमिनो ग्रुप ना, और एक ही में वो NH3 में प्लस में बदल जाएगा और COO माइनस में बदल गया। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट करते हो उसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं, और एक बार बोर्ड में पूछ चुका है, राइट द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एमिनो एसिड, तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड का लिखना पड़ जाएगा आपको, तो लिख देंगे क्या, NH3 पर प्लस C, और उस C पर दो हाइड्रोजन COO माइनस, यही तो ज्विटर आयन हो गया आप किसका, ग्लाइसिन का, ठीक है। आइए, दिस इज द सेंट्रल न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ज्विटर आयन आयनिक फॉर्म, एमिनो एसिड शोज एम्फोट्रिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ विथ एसिड एंड बेस एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर नेचुरली अक्रिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, दीज एग्जिस्ट बोथ इन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फॉर, दैट इज रिलेटेड, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर रिलेटेड टू कन्फिगुरेशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मोस्ट नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड्स हैव एल कन्फिगुरेशन, L amino acids are represented by writing NH2 group on left hand side. अगर NH2 group लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ हो तो L फॉर, राइट हैंड साइड लिखा हुआ हो तो B फॉर, यही देख रहे हैं आप, ग्लाइसिन का ज्यूटर आयन, ग्लाइसिन नहीं है बल्कि R है यहाँ, तो इसलिए ग्लाइसिन इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एमिनो एसिड है आपका ये, ठीक है। अब इस एमिनो एसिड से यहाँ से H निकलेगा, H प्लस, क्योंकि एसिडिक है ये, H प्लस जाकर के इस लोन पर अटैक, लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर देगा, NH3 प्लस में बदल गया, और यहाँ माइनस, एक ही मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग ट्विटर एन कह दिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड,
एंड दे आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहेंगे और पेप्टाइड लिंकेज किसको कहेंगे, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक मिनट के लिए आपको हेल्ड अप करूंगा, नोटिस है, नोटिस पढ़ करके मैं आपको ये कर दे रहा हूं। मीटिंग है 3 बजे। हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि दो एमाइनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है या पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या सीबीएसई का एग्जाम हो, बराबर पूछता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड लिंकेज क्या है, दो एमाइनो एसिड के जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और कैसे जुड़ता है, NH2 का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, H2O निकल गया तो कौन सा ग्रुप बनेगा, एमाइड ग्रुप बनेगा। तो व्हेन द टू एमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर ना थ्रू ए एमाइडिक ग्रुप, दैट वेरी बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमाइनो एसिड प्रोसीड्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एमाइनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर, दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि एमाइड ग्रुप से एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, एक एमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दूसरे का हो गया आपका कौन सा, एमाइनो ग्रुप, दोनों से मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और एक बॉन्ड बनेगा, वह बॉन्ड क्या कहलाता है, डाइपेप्टाइड कहलाता है। डाई मींस दो और पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो ऐसा नहीं कि मतलब दो बॉन्ड बनता है वहां पर, ऐसा नहीं सोचना है, दो एमाइनो एसिड के बीच में बन रहा है इसलिए उस बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड because it is made up of two amino acid ना, product का नाम है dipeptide, ऐसा नहीं कि dipeptide bond है, dipeptide क्या है आपका product है, product of the reaction कहलाता है dipeptide। क्यों, क्योंकि उसमें दो amino acid रहता है। अगर कहीं पर दो peptide, ये peptide bond बन रहा हो ठीक है तो tripeptide कहलाएगा, अगर चार peptide bond बन रहा हो तो पेंटापेप्टाइड कहलाएगा, क्योंकि उसमें 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइंस विद द एमाइनो ग्रुप ऑफ एलानिन वी गेट डाइपेप्टाइड ग्लाइसिलएनिलीन। ये देख लीजिए, ये ग्लाइसिन है और एलानिन है, यहां से एच और यहां से मतलब हो गया आपका क्या, ओ एच और यहां से एच, H2O निकल रहा है तो ये ग्रुप एमाइड ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। ठीक है, दो एमाइनो एसिड यूज हो रहा है इसलिए डाई पेप्टाइड कहेंगे। और कैसे, क्या कहलाता है ये, ग्लाइसिला एलिनीन। देखो एक एमीन है, ये एमाइनो एसिड है, ये दूसरा एमाइनो एसिड है, टू एमाइनो एसिड्स है। ठीक है, लेकिन बॉन्ड की दोनों के बीच में कितना बनेगा, तो ये दोनों यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ठीक है, और यह कार्बन नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा इसीलिए डाइपेप्टाइड कहला जाएगा। डाई मतलब दो ना, मतलब दो मॉलिक्यूल से अमाइनो एसिड का, इसलिए डाइपेप्टाइड कहला जाता है। क्या कहला जाता है, ये डाइपेप्टाइड कहला जाता है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपका बन गया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया यहां पर। ठीक है, इस बॉन्ड को ही हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट को डाइपेप्टाइड कहते हैं क्योंकि दो एमाइनो एसिड इसमें यूज होता है। ए पेप्टाइड डाइपेप्टाइड इज फॉर्म, इसको हम लोग डाइपेप्टाइड कहेंगे ना, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड होगा लेकिन टू एमाइनो एसिड होता है इसीलिए डाइपेप्टाइड कहा जाता है। ए पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 एमाइनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 1000 U इज कॉल्ड ए प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन, इट इज ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमाइनो एसिड residing with it having high molecular mass have more than 1000 U, 10000 U is called a protein।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। अब मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ये दो तरह फाइब्रस और ग्लोबुलर, दो तरह के प्रोटीन होता है। किसके आधार पर? तो मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर। अगर इसके चैन एक दूसरे से पैरेलल हैं तो फाइब्रस प्रोटीन कहलाता है ना, जैसे केराटिन प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? हेयर में पाया जाता है, नेल में पाया जाता है, हुफ में पाया जाता है, हॉर्न में पाया जाता है, ठीक है, ये सब केराटिन प्रोटीन है। और ये म्यूसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो मसल्स में पाया जाता है। तो यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है म्यूसिन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो मसल्स यहाँ आंसर हो जाएगा। केराटिन किस में? तो नेल, हुफ, हेयर ना, इस सब में आपको केराटिन पाया जाता है। दूसरा टाइप है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर उसका शेप अगर ग्लोबुलर हो, राउंड शेपेड हो, तो ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाता है, जैसे इंसुलिन। आइए हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सच प्रोटीन आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर ना, जैसे हो गया केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क, हॉर्न, हुफ, इटीसी, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। और दूसरा आपका प्रोटीन क्या हो गया वो आगे देखते हैं। इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रक्चर टेंडन, लिगामेंट, ब्लड क्लॉट, ये सब में भी पाया जाता है आपको फाइब्रस प्रोटीन। स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है, टेंडन और लिगामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये है, ये एक बोन टू बोन जोड़ता है और दूसरा क्या कहा जाता है, मसल टू मसल जोड़ता है, एक बोन टू मसल जोड़ता है, ठीक है। तो एक टेंडन हो गया, एक लिगामेंट हो गया, ब्लड क्लॉटिंग आपका क्या कहा जाता है, जैसे कहीं पर ब्लीडिंग हो गया, कट गया तो ब्लड निकलता है, तो क्या कहा जाता है, वो क्लॉटिंग होने लगता है, तो उसको हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग से ब्लीडिंग बंद होता है आपका, ठीक है। तो दो वर्ड और है, टेंडन और लिगामेंट, बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। आपका काम है पता लगाना कि टेंडन का बोन टू बोन जोड़ेगा या बोन टू मसल जोड़ेगा, लिगामेंट का क्या काम है, ये आप देख लीजिएगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मूवमेंट, मसल, माइक्रोट्यूबुल्स, ये सब आपका ये दूसरा एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, आइए अब हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हे इन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल्स राउंड टू गिव स्फेरिकल शेप, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल इन शेप होता है, वैसे प्रोटीन को हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या होता है आपको, इंसुलिन इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दीज आर यूजुअली सोलबल इन वाटर, वाटर में ये सोलबल होते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। मोस्ट प्रोटीन विच मूव अराउंड इज एल्बुमिन, सीजीन इन मिल्क, सीजीन इन मिल्क भी आपको एक तरह का प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। फर्दर हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरली। सीबीएसई के एग्जाम में शायद ही कभी ऐसा हो कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं पूछता हो, मेनली कहां से पूछता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। ओरिजिनल सिक्वेंस हो, द नेचुरल सिक्वेंस ऑफ प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हेन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉइल्ड, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड, इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा प्लेटेड एंड बीटा शीट प्लेट, बीटा शीटेड स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, अगर सेकेंडरी प्रोटीन को फिर से एक बार कॉइल कर दीजिए तो टर्शियरी प्रोटीन कहलाएगा, टर्शियरी प्रोटीन को लेकर एक बार फिर से कॉइल कर दीजिए तो क्वार्टरनरी प्रोटीन हो गया। इतना सिंपल डिफिनेशन है, याद रखना बहुत आसान है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बुकिश स्टाइल में इसका लैंग्वेज देखते हैं, किसका, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन का, टर्शियरी और क्वार्टरनरी का। कुछ पॉइंट्स आपका बाद में इस पर डिस्प्ले हुआ है। प्रोटीन विथ बाइंडिंग साइट इंजाइम होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट होता है, ये सब बाइंडिंग प्रोटीन कहलाता है आपका। आइए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, each polypeptide chain in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of protein. देखो straight chain है, कहीं पर कोई नहीं है, natural sequence है, specific sequence में इसमें amino acid जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी specific sequence के चलते इस structure का नाम पड़ा है primary structure of protein, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, देख लीजिए आप, प्राइमरी स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है।
माला की तरह है, कोई क्वाइलिंग नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, माला जो होता है उस तरह से हो गया, तो इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कह दिए। फिर से देख लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये देखिए जो नेचुरल सीक्वेंस जो होता है इसका, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड सजे हुए होते हैं, ठीक है। तीन अल्फाबेट से बना हुआ जो दिखलाया जा रहा है, ये आपका अमीनो एसिड है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। आइए अब हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो सिक्वेंस ऑफ चेन ऑफ एमाइनो एसिड, जो माला जैसा बिट जो मिल रहा है, ये एमाइनो एसिड है, और एक एमाइनो एसिड में तीन अल्फाबेट होता है, जैसे पी एच ई ए हो गया, ठीक है। और एक एमाइनो एसिड में मैं बता चुका हूँ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एमाइनो ग्रुप, एक आर जो होता है वेरिएबल ग्रुप होता है, और एक इस तरह से सेवरल एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए चले जाते हैं पर्टिकुलर सिक्वेंस में, और एक चेन बनाते हैं जिसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन व्हिच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, हिज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये दो तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट कहलाता है। दीज स्ट्रक्चर्स अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैक बोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और यह कैसा होता है, स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैक बोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को एक बार हम लोग फोल्ड कर दें तो जो बनेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं। जो क्वाइल था, सिंगल क्वाइल, क्वाइल को ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, उसको एक बार सिर्फ क्वाइल करना था इसे ऐसे, ठीक है, यही तो है, देखो क्वाइल किया हुआ प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक बार क्वाइल कर दिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो अल्फा हेलिक्स कहला जाएगा, और बीटा प्लेटेड शीट जो देख रहे हैं ये हो गया आपका बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स था यहाँ, ठीक है, और ये बीटा प्लेटेड शीट कहलाता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं, ध्यान से देखिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था, इट इज क्वाइल्ड, और कैसे क्वाइलिंग होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर का वो देख लो, ये क्वाइल हो रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। व्हेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज क्वाइल्ड, देन वी गेट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इतना लिख देने से आपको एक नंबर का रहता है, एक नंबर का। ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर था, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी वंस अगेन इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रैंड, नाउ इट इज क्वाइल्ड इन अल्फा हेलिक्स फॉर्म, ठीक है। देखिए उसमें अमीनो एसिड दिखाया हुआ है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एनिमेशन के जरिए देखिए आप इसको, प्राइमरी था, प्राइमरी का क्वाइलिंग हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अल्फा हेलिक्स बन गया, ठीक है। ये बीटा प्लेटेड शीट रहता, तो उसका पहले मैं दिखला चुका हूं कैसे बनता है शीट। आइए हम लोग देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ले लीजिए, एक बार उसको फिर से क्वाइल कर दीजिए, तो रिक्वाइलिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसे बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के फोल्डिंग से बनता है। इट गिव्स राइज टू मेजर मोलिकुलर शेप फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन बिलोंग्स टू दिस टाइप, ठीक है। द मेन फोर्सेज व्हिच स्टेबलाइजेज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवाल फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके चलते मॉलिक्यूल्स में कॉइलिंग होती है और एग्जिस्ट करते हैं, एसोसिएटेड होते हैं ये, ठीक है। तो सेकेंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप देख रहे थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ले लिए और उसको एक बार और कॉइलिंग करा दिए, तो उसी से जो बनता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाता है। आइए अब टर्शियरी का एक और बार देख लीजिए, सेकेंडरी लिए, सेकेंडरी को ये देखिए टर्शियरी में बदल दिए एक बार और कॉइलिंग करके, ठीक है। तो ये सेकेंडरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से देखिए टर्शियरी, कॉइलिंग एक बार कर दिए, टर्शियरी बन गया, यही आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। सेकेंडरी, सेकेंडरी से देखिए कॉइलिंग कर रहे हैं, कॉइलिंग करने की वजह से ये आपका क्या बन गया, टर्शियरी में ये बदल गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ना, हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में करते क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ये, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ले लिए प्रोटीन का, एक बार उसका रिकॉइल कर दिए, क्वार्टरनरी में बदल गया। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट, व्हाट इज सब यूनिट, पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
ठीक है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट जो है आपका, एक बार यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फिर से कॉइलिंग करा दीजिए ना, तो ओवरऑल कॉइलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर मिला उसको हम लोग, जिसमें स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाया जाता है, उसी को क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है। सेकेंडरी था, सेकेंडरी से टर्शियरी में बदला, और क्वाइलिंग होने के बाद वो आपका टर्शियरी से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बदल गया। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखो व्हेन एनी प्रोटीन इज सब्जेक्ट टू चेंज इन पीएच और केमिकल कंपोजिशन, देन इस स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद द यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड इट इज कॉल्ड नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बाउंड आर डिस्टर्ब्ड, ड्यू टू दिस ग्लोबुल अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाता है, सीज कर जाता है, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम करता है, और एंजाइम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीनेसियस इन नेचर होता है। तो जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी बुखार लग जाता है, आपके गार्जियन घबरा जाते हैं, आप घर जाते हैं, आपके हाउस मास्टर घबरा जाते हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, प्रोटीनेसियस आपके एंजाइम जो है जो बॉडी के रिएक्शन को कंट्रोल कर, डीनेचर्ड हो जाएंगे, नेचर उनका चेंज कर जाएगा। जिनको हार्ट बीट कंट्रोल करना हो, रेस्पिरेशन कंट्रोल करने लगेगा, डाइजेशन कंट्रोल करने लगेगा, नेचर चेंज हो गया तो दिक्कत नहीं होगा। लो हाँ, इवन अगर टेंपरेचर किसी बच्चे का लो हो जा रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको उसकी एक्टिविटी जो हो जाती है सीज हो जाती है, ठीक है, डीएक्टिवेटेड प्रोटीन उसको कहते हैं लो टेंपरेचर पर अगर ऐसा हो तो। तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर है डिस्ट्रॉयड, याद रखिएगा इस लाइन को, अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है, डीनेचुरेशन का डेफिनेशन पूछता है लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है डीनेचुरेशन में अभी तक नहीं पूछा है, फ्यूचर में पूछे जाने के यहां से संभावना है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट, द कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन, अनदर एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाई द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। अब आ जाइए विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स क्या है, हालांकि बोर्ड में नहीं है, हटाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है। जब हम लोग दिल्ली से एनसीईआरटी की तरफ से ट्रेनिंग हो रहा था तो ये बात रखे थे, हालांकि हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, आपस में ही डिस्कस कर रहे थे उन लोग, तो किसी एक पैनलिस्ट ने ये पूछा कि जो हटा दिया है इसका मतलब कि टीचर को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो कहें कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि टीचर नहीं पढ़ाए, मतलब उसका ये होता है कि ठीक है टाइम आपके पास कम है, मतलब लॉकडाउन की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को असाइनमेंट में दे दीजिए कि बच्चा खुद पढ़े हो, ठीक है। तो इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स एज ए न्यूट्रिएंट इन टीनी अमाउंट बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड विटामिन। विटामिन क्या है आपका, तो जो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है इसी को हम लोग विटामिन कहते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड एज ए न्यूट्रिएंट इन टीनी अमाउंट इन अवर बॉडी बाई एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज विटामिन। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन सफिशियंट क्वांटिटी बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड मस्ट बी ऑब्टेंड फ्रॉम द डाइट। विटामिन्स हैव डाइवर्स बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे हार्मोन लाइक फंक्शंस आर रेगुलेटर्स ऑफ मिनरल्स मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी यहाँ पर होता है, रेगुलेटर्स ऑफ सेल एंड टिश्यूज ग्रोथ एंड डिफरेंट एंड डिफरेंशिएशन सम फॉर्म ऑफ विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और सी को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, एंजाइम कोफैक्टर tightly bonded to enzyme as a part of prosthetic group या coenzyme, other than जो proteinaceous part होता है वही, उसी को हम लोग coenzyme कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब vitamin C और vitamin E दो antioxidant हैं। अब vitamin का classification ना बहुत important है, CBSE में board में बहुत बार पूछा है, तो दो तरह से हम लोग classify कर देते हैं, ठीक है, water soluble और fat soluble, fat में मोटा भी होता है, ठीक है, तो दे का लिख दो ना, दे का, देखो ये हो गया दे का, डी
विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, देखा एडेक, पहले पढ़ते थे एडेक, बनाते बनाए थे कोड ए डी ई के एडेक लोग। फिर जब मैं वहाँ मोरीगांव में था पहले वाले स्कूल में, तो असामीज बेल्ट था, वहाँ के लोगों का टाइटल देका होता है, तो कहा कि सर मेरे नाम पर क्यों नहीं कोड बनाते आप, मेरा नाम देका है, इसको देका किया जा सकता है। तो उस दिन से फिर मैं इसको देका में बदल दिया, देका, किसने नहीं देका, देका में अल्फाबेट चार है, मोटा है, ये फैट सोलोबल है, लिपिड सोलोबल है ना। और दूसरा हो गया वाटर सोलोबल, वाटर सोलोबल विटामिन बी और विटामिन सी को हम लोग वाटर सोलोबल कहते हैं। ये तो फैट सोलोबल है, इसका मतलब हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रा मीन्स पानी, फोबिक मतलब हेट, पानी से दूर भागेगा। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब एफिशिएंटली विद द लिपिड, और यह लिपिड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन लिपोप्रोटीन और अटैच टू द स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स, मोर लाइकली टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, और बॉडी में एक्यूमुलेट भी कर जाते हैं देखा, ठीक है, मोर लाइकली टू लीड टू हाइपर विटामिनोसिस। और चूंकि बॉडी में स्टोर हो जाता है, ये फैट सोलोबल है और मेनली एडिपोज टिश्यू में ही ये डिपॉजिट ये होगा, जिसके चलते विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। विटामिन का क्लासिफिकेशन दूसरा हो गया वाटर सोलोबल, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी है, बीसी यानी ले लीजिएगा, देखा याद है तो बीसी ऑटोमेटिक निकल के बाहर हो गया। फंक्शन क्या है, मेनली एज ए एंजाइम कोफैक्टर, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रा मीन्स पानी और फिलिक मतलब होता है लव अट्रैक्शन, मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी में घुल जाएगा। तो बॉडी के अंदर हम लोग विटामिन सी ले लें या बी ले लें, तो ये क्या होगा, यूरिन के साथ घुल करके बाहर आ जाएगा, तो बॉडी में विटामिन बी और सी की कमी होती रहेगी। इसीलिए हम लोग डाइट से हमेशा बी और सी रेगुलरली लेना चाहिए, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो आ जाइए, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स डिजोल्व इजिली इन वाटर, नॉट रीडली स्टोर्ड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, देयर कंसिस्टेंट डेली इनटेक इज इंपॉर्टेंट, मेनी टाइप्स ऑफ वाटर सोलोबल विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। आ जाइए विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल ना, और विटामिन ए इज नेसेसरी टू फॉर्म रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो है आपका रेटिना का पार्ट है, दो तरह के सेल से बनता है, ठीक है, रेटिना, रेड सेल और कोन सेल, ठीक है। तो ये रोडोप्सिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, इन रोड्स नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आइडोप्सिन ना, फोटोप्सिन है जो कि कोन सेल के बनने में होता है, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इसको हम लोग विटामिन ए को विजुअल पिगमेंट भी कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, अगर जिसमें विटामिन ए की कमी हो गई वह नाइट ब्लाइंड होगा। विटामिन ए इज एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, और विटामिन ए जो है आपका इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। द अर्ली साइन लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट, जिसको विटामिन विटामिन ए की कमी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस होने लगेगा, तो उससे पहले उसको ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा और बढ़ गया डिफिशियंसी और बॉडी में आ गया विटामिन ए का, तो इम्पेयरमेंट टू अडेप्ट टू डीम लाइट, डीम लाइट के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, रात होते होते उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। द कंजक्टिवा लॉस म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स ग्लाइकोप्रोटीन कंटेंट ऑफ द टीयर्स इज रिड्यूस्ड, जीरोप्थैल्मिया नाम का दूसरा डिजीज होता है जिसका नाम जीरोप्थैल्मिया है, जिसमें आई जो होता है वो ड्राई हो जाता है, टीयर निकलना बंद हो जाएगा, कम हो जाता है, इसीलिए आँख क्या हो जाएगा आपको ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने लगेगा तो दर्द होने लगेगा, मूवमेंट में आई बॉल का दिक्कत होने लगेगा। ऑफन कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरियल और क्लाइमाइडल इन्फेक्शन विच रिजल्ट इन द परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया एंड ब्लाइंडनेस। विटामिन ए डिफिशियंसी से और क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे फंक्शन ना, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, ये ब्रोंकाइटिस में भी हेल्प करता है विटामिन ए। कन्वर्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम, हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन, इससे इम्यून सिस्टम में भी कमी आने लगती है, अगर विटामिन ए की कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, विटामिन सी भी कमी होगा तो उससे भी इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, इम्पेयरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन बोथ इन मेन एंड वोमेन में भी होने लगता है। वर्ल्ड वाइड डेफिशियंसी ऑफ विटामिन ए पाया जाता है, 3 to 10 million चिल्ड्रेन बिकम्स एक्स ऑप्थैल्मिक एवरी ईयर, ठीक है, तो ये डाई, 1 million die from infection से 1 million के लगभग लोग मर जाते हैं इस डिजीज की वजह से।
आइए मेटाबोलिक फंक्शन ऑफ विटामिन ए विजन में हेल्पफुल होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन में होता है, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इसका काम होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है विटामिन ए, बोन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, हिमेटोपोएसिस में इसका यूज होता है, ब्लड से रिलेटेड है ये, स्किन हेल्थ हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट ये होता है आपका विटामिन ए। आइए सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आप देख रहे हैं, चीज देख रहे हैं, मछली देख रहे हैं, अंडा देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं, गाजर देख रहे हैं, हरी हरी सब्जियां देख रहे हैं, पालक देख रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्स सच एज एग, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ और चीजें हैं जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, ठीक है, सब्जी देख ही रहे हैं, कैरोट, ब्रोकोली, स्पाइनेच, पपाया, एप्रिकॉट, कॉड लिवर ऑयल, मीट, एग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब विटामिन ए के सोर्स है। आइए विटामिन डी हम लोग देखते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम आपका है कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल, भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, कैल्सिफेरॉल है ये, या कोलीकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है स्पेशली विटामिन डी टू को, ठीक है। तो कैलिसियोल विटामिन डी टू हो गया, कोलीकैल्सिफेरॉल प्रीकर्सर ऑफ कैल्सिट्रॉल, डी थ्री हो गया आपको डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, याद नहीं रखना है आपका विटामिन डी, याद रखिए कैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स विद पीटीएच कैल्सियम फॉस्फेट लेवल एट एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन एक्सक्रेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हेल्पफुल होता है विटामिन डी, बोन का डेवलपमेंट जो होगा स्ट्रॉन्ग बोन बनाता है विटामिन डी, सिंथेसिस इन द स्किन, स्किन में भी इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द लीवर एंड किडनी, स्किन से सिंथेसाइज होकर के ये लीवर और किडनी में चला जाता है। विटामिन डी अगर कम मात्रा में है तो फेल्यूर ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का रेट घट जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, बोन कमजोर होगा, द लैक ऑफ यूवी इरेडिएशन, ठीक है। इसमें दो डिजीज होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोमलेसिया एडल्ट में होता है और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है, ये बच्चों में होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन में होता है, जिसमें पैर जो होता है वो शेपेड हो जाता है। विटामिन डी एंड इम्यूनिटी, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल साइटोक्सिक लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज द फैगोसाइटिक एबिलिटी ऑफ माइक्रोफेज, रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ वायरस डिजीज कोल्ड फ्लू। हाँ, विटामिन डी की कमी हो जाएगी बॉडी में ना गुरु, तो आपका फ्लू हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है, कोरोना वायरस लग सकता है, इसलिए प्रचुर मात्रा में विटामिन लेते रहिए, स्पेशली विटामिन डी और विटामिन सी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी कैंसर, कोलोन, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सब में आपका हेल्पफुल होता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होता है विटामिन डी, उसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन देख रहे हैं, सनलाइट, अंडा हो गया, मछली हो गया, मछली में कौन सा मछली, सालमोन, यागुट, मिल्क, चीज, ये सब विटामिन डी हो गया, मशरूम ना, फिश, मशरूम, सनबाथिंग, एग, ठीक है, कैटफिश, इल, टूना, मैकेरेला, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, सब विटामिन डी है। सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज आपको विटामिन से लिखना जरूरी है। विटामिन ई जिसका नाम है टोकोफेरॉल, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ लिपिड इन द डाइट, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, लिवर अपटेक थ्रू द रिसेप्टर फॉर एलिपोप्रोटीन ई, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एक्ट्स एज ए कोफैक्टर, ठीक है। विटामिन ई के डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा वो देखिए, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एग्जिस्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इंपेयर्ड विजन, आई मसल पैरालिसिस, प्लेटेड एग्रीगेशन, इंपेयरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन मेल, इंपेयर्ड इम्यूनिटी, टॉक्सिसिटी इज रिलेटिवली स्मॉल, मतलब कम टॉक्सिक होता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसके डिफिशियंसी से मतलब कि क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन बीइंग आ सकता है विटामिन ई के कमी से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इम्पेयर्ड विजन हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ आरबीसीएस एंड मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। तो आपका ये दो इम्पोर्टेंट है, आरबीसीएस फ्रैगिलिटी जो होता है इंक्रीज कर जाता है, वीकनेस हो जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाता है,
ठीक है, सोर्स ऑफ विटामिन, ब्रोकली फूलगोभी की तरह होता है पौधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सारा विटामिन इसमें मिलता है, कैबेज हो गया, सेलेरी हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गया, नट ऑयल हो गया लाइक एलमोंड एंड हेजल नट हो गया, ठीक है, फोर्टिफाइड सीड हो गया, फोर्टिफाइड सीड मतलब होता है स्प्राउटेड सीड, चना जैसे फुला दिया छोड़ दीजिए अंकुर जाता है, वही हो गया फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी कि स्प्राउटेड। विटामिन के ब्लड कोगुलेशन में ये हेल्पफुल होता है, इन बोन मेटाबॉलिज्म में ये हेल्पफुल होता है। विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन आपका कमजोर हो जाता है, जरा सा भी झटका लगेगा आदमी का हड्डी टूटने लगता है, ठीक है, तो इस तरह के डिजीज आपको विटामिन के वजह से होगा। आपको सोर्स ऑफ विटामिन के देख रहे हैं, ब्रोकली सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब देख रहे हैं, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब आपका विटामिन के का सोर्स है। वाटर सोलोबल विटामिन हम लोग देख रहे हैं, तो जित बी और सी दो ही तो है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंथोटेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबैलामिन यानी साइनोकोबैलामिन भी इसको कहा जाता है, कोबाल्ट उसमें पाया जाता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, ठीक है। B1 यानी कि थायमिन, B1 डेफिशिएंसी, माइल्ड डेफिशिएंसी होगा तो वीकनेस आता है, मॉडरेट डेफिशिएंसी होगा तो मेंटल एबनॉर्मलिटी आ जाती है B1 के चलते, और अगर पूरा डेफिशिएंसी हो गया तो बेरी बेरी नामक एक डिजीज होता है, बेरी बेरी कॉजेज लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फूड पुअर इन थायमिन, हस्क, राइस, व्हाइट फ्लोर एंड रिफाइंड शुगर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। जनरेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इसका असर पड़ता है, विटामिन B1 का सोर्स, विटामिन B1 का देख रहे हैं, दूध देख रहे हैं, मीट हो गया, मछली हो गया, ईस्ट हो गया, हनी हो गया, नट्स हो गया, विटामिन बी। आ जाइए विटामिन B2, जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे चिलोसिस होता है, जिसको कहते हैं मुंह आना ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन हो जाता है, होंठ लाल लाल हो जाता है, फटने लगता है, ठीक है, तो क्रैक्ड एंड रेड लिप्स हो जाता है विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन के कमी से होता है। सोर्सेस का देख रहे हैं, मिल्क, एग हो गया, व्हाइट लीवर, किडनी, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, फिश, एग, कोकोआ, नट्स, ईस्ट, स्मॉलर क्वांटिटी इन सीरियल्स। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 इज नीडेड फॉर मोर देन 100 एंजाइम इन्वॉल्वड इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। It is also essential for red blood cell metabolism and hemoglobin formation. The nervous and immune system needs vitamin B6 to function efficiently. It is also needed for the conversion of tryptophan to niacin. ठीक है, vitamin B6 also helps to maintain the blood glucose within the normal range. When caloric intake is low, vitamin B6 helps to convert the stored carbohydrate or other nutrient to glucose to maintain the normal blood sugar level. So B6 बहुत ही important है आपके लिए। Vitamin B6 का source देख रहे हैं, yeast, milk, egg, yolk, cereals, grams, beans, meat, ठीक है, liver, fish, yeast, ये सब में आपका vitamin B6 पाया जाता है। इसके डेफिशिएंसी से कन्वल्शन होता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है, B6 के कमी से आपको एनीमिया भी होता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखिएगा कन्वल्शन, ठीक है। B12 एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, ठीक है, B12 कोबैलामिन या साइनोकोबैलामिन भी कहा जाता है, यह आपको मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, कड में पाया जाता है, ठीक है, ये आप फोटो भी देख रहे हैं, एकदम ताजा ताजा हर चीज फ्रेश है इसमें आपको। विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और ये जितने भी साइट्रस फ्रूट है उसमें पाया जाता है, इसके कमी से आपको एस्कर्वी नाम का डिजीज होता है, जिसमें गम से ब्लीडिंग होने लगता है आपको ना, यानी मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगता है। फैटिक पर्सनालिटी चेंजेज, डिक्लाइन इन साइकोमोटर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, ठीक है, ये सब डेफिशिएंसी डिजीज है। एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड फ्री रेडिकल स्कैवेंजर कहलाता है। मेंटेन द प्रॉपर इम्यून सिस्टम, विटामिन सी इज वीक एसिड,
कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड और इट्स सॉल्ट एस्कॉर्बेट। तो याद रखेंगे विटामिन सी से ह्यूमन बीइंग का, विटामिन सी से क्या होता है इम्यून सिस्टम बढ़ता है। विटामिन सी लेते रहिए, कोरोना वायरस से महफूज रहिए, ठीक है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। सोर्स ऑफ विटामिन सी आप देख रहे हैं जितने भी साइट्रस फ्रूट है, ठीक है, आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, सब में आपको विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। पैथोलॉजी ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, ये सब हो गया मेन आपका जो सोर्स है। स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, बेरीज में पाया जाता है, ठीक है। लेमन हो गया, लाइम हो गया, गुआवा हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्लैक कैरेट हो गया, पोटैटोज हो गया, ठीक है। अब आइए बस आज की सभा यही समाप्त करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।